हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करूं कि ऐसी टॉप 10 इन्वेंशन में ऐसी दो इन्वेंशन यानी कि टॉप 10 आविष्कारों में ऐसे दो आविष्कारों का नाम बताओ जो भारत ने किए, तो शायद आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए और जवाब में फिर भी कुछ ना मिले, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 इन्वेंशंस की जो भारत ने की है, लेकिन उसका सारा श्रेय बेस्ट की कंट्रीज को दिया जाता है। सो दिस इज गोपाल शर्मा एंड यू आर वॉचिंग बी टू डिट। बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग यह कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी रही ही नहीं। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत विरोधी हैं। भारत के बगैर ना धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत खड़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता तो क्या हम मैथमेटिक्स की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की है। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। तो बात करते हैं आज के पहले आविष्कार की। पहला आविष्कार है विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑर्विल और विल्बर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। गोदा ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद्रुम एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3:23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे आविष्कार की। दूसरा आविष्कार है अस्त्र एंड शस्त्र। धनुष बाण भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं हम। इसका आविष्कार तो भारत में हुआ ही है, लेकिन हम अग्नि अस्त्रों की बात कर रहे हैं। अग्नि अस्त्र, वरुणास्त्र, पर्शपतास्त्र, सर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस। पुराणों में ऐसे कई अस्त्र महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संगारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कनाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कनाद प्रभास तिर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ TN कोलेबुर्ग ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। तो चलिए बात करते हैं तीसरे आविष्कार की। तो तीसरा आविष्कार है पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ?
चल पाता। इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इसे मानव को गति मिली, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहाँ रेतीले मैदान है, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ यह हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। अब बात करते हैं चौथे आविष्कार की। चौथा आविष्कार है प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने स्वयं के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व को मानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पांचवें आविष्कार की। पांचवा आविष्कार है बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य निर्मय पात्रे ताम्रपात्रम सुसंस्कृतम छाद्ये छी खिग्रीवेण चारधाभि काष्ठापासुंदी दस्तालोष्टो निधात्वह पारधाचि दित्तस्तः संयोग्या जाते तेजो मित्र वरुण संज्ञेता। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर शीट डालें तथा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में बेट सॉडस्ट लगाएं, ऊपर से मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त्य को बैटरी बोन भी कहते हैं। अब बात करते हैं छठे आविष्कार की। छठा आविष्कार है बटन का आविष्कार। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटने पाई गई है। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 पहले यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। अब बात करते हैं सातवें आविष्कार की। सातवां आविष्कार है ज्यामिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्क सूत्र तथा शोत सूत्र के रचयिता है। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पाए जाते हैं। दरअसल 2800 वर्ष यानी कि 800 ईसा पूर्व बोधायन ने रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्क शास्त्र कहा जाता था। शुल्क शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी। अब बात करते हैं आठवें आविष्कार की। आठवां आविष्कार है रेडियो का।
इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके दो साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। चूंकि भारत उसमें एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में सफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई है। अब बात करते हैं नौवे आविष्कार की। नौवा आविष्कार है गुरुत्वाकर्षण के नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं भूगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था, और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। अब बात करते हैं अपने दसवें आविष्कार की, भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनी ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनी ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4 आधार सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित है। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। हालांकि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच ब्लॉक 14 सितंबर 1791 से 23 अक्टूबर 1867 में पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्होंने पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। इस तरह से सैकड़ों आविष्कार है जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों को महिमामंडित किया। अगर आप आज भी देखें तो भारत में कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे टॉप की पोजीशन में है। हालांकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वे हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते ही रहते हैं। लेकिन हमें और आपको भारत के इतिहास को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीख लेनी चाहिए
और अपने इस भारत के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए और इसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें फ्यूचर में और भी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।